कुछ लोग भीड़ को देख के चलना सीखते हैं और कुछ लोगों को देख के भीड़ चलना सीखती है। मिथाली राज। क्रिकेटिंग वर्ल्ड में उस वक्त कदम रखा जिस वक्त पैसों की कमी की वजह से प्लेयर्स इस गेम को छोड़ रहे थे। टैलेंट की कमी की वजह से प्लेयर्स को ड्रॉप किया जा रहा था। महज 16 साल की उम्र में आयरलैंड के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। 6 बार वर्ल्ड कप खेलने के बाद भी वो कप इंडिया नहीं ला सकी, लेकिन इस 23 साल के क्रिकेटिंग जर्नी में उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि सपना देखना और उसको पूरा करने का हक सबको है। मिथाली दोराई राज का जन्म 3 दिसंबर 1982 को राजस्थान के जोधपुर शहर में हुआ। पिता दोराई राज एयरफोर्स ऑफिसर थे और माँ लीला राज एक हाउस वाइफ है। जब मिथाली छोटी थी तभी पिता की ट्रांसफर तेलंगाना के हैदराबाद शहर में हो गया था। मिथाली के बड़े भाई मिथुन राज का क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था और उनके पिता भी चाहते थे कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बने। पिता ने अपने बेटे को सिकंदराबाद के सेंट जॉन्स क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दिया, जहां कोच ज्योति प्रसाद, जो वीवीएस लक्ष्मण के कोच थे, उनके गाइडेंस में क्रिकेट के बेसिक्स को सीखना शुरू किया। दोराई जी रोज सुबह अपने बेटे को क्रिकेट एकेडमी ले जाते थे। मिथाली को बचपन से डांस का शौक था। वो भरतनाट्यम डांस की क्लासेस भी लेती थी और उन्हें सोने का भी बहुत शौक था। वो घर में सबसे देर में उठती थी। पिता डिफेंस में थे तो मिथाली में थोड़ा डिसिप्लिन लाने के लिए उन्हें अपने साथ रोज सुबह एकेडमी ले जाना शुरू किया। फील्ड के एक कोने में वो अपना होमवर्क बनाती थी और उसे पूरा करने के बाद वो कुछ देर कैजुअली बैटिंग कर लेती थी। कोच ज्योति प्रसाद ने जब उनकी बैटिंग स्टांस, फुटवर्क और स्ट्रोक प्ले देखा तो उन्होंने पिता से कहा, अगर आप अपनी बेटी को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करोगे तो वो आपका नाम जरूर रोशन करेगी, इस लड़की में पोटेंशियल है। साल 1995 में ज्योति प्रसाद के रिकमेंडेशन पे मिथाली को कोच संपत कुमार के एकेडमी में एडमिशन करवा दिया। जब संपत कुमार ने मिथाली की बैटिंग देखी तो उन्होंने दोराई जी से कहा, अगर आप अपना पूरा सपोर्ट दोगे तो 14 साल की उम्र में आपकी बेटी इंडिया खेल रही होगी। एक बार के लिए उस वक्त पेरेंट्स को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वीकडेज पे सुबह और शाम में क्रिकेट प्रैक्टिस और वीकेंड्स पे डांस प्रैक्टिस। लोकल मैचेस और टूर्नामेंट्स के वजह से कभी कभी 10-15 दिन वो डांस क्लासेस नहीं जा पाती थी। एक वक्त ऐसा आया जब मिथाली की डांस टीचर ने उनके पेरेंट्स से कहा, इसे क्रिकेट और डांस में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मिथाली ने अपने पैशन डांस को छोड़ क्रिकेट को चुना। मिथाली ने अपनी स्कूलिंग कीज हाई स्कूल फॉर गर्ल्स हैदराबाद से की। सभी लोकल मैचेस और टूर्नामेंट्स में उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस था। साल 1997 में जब मिथाली 10th स्टैंडर्ड में थी तब उनके कोच संपत कुमार का एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा था। उस साल इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट किया। 14 साल की उम्र में उन्हें एज अ फर्स्ट स्टैंडबाय इंडियन टीम में शामिल किया गया। सभी को लगा संपत जी का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन मिथाली को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, ये सोच के कि इतने छोटे उम्र में वो वर्ल्ड कप का प्रेशर नहीं झेल पाएंगी। इंडियन टीम में वो अब रेगुलर थी। 16 साल की उम्र में आखिरकार 26 जून 1999 को आयरलैंड के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया। उस वक्त जो समाज, जो लोग ये बात बोलते थे कि लड़की को ये सब थोड़ी करना चाहिए, लड़कों का क्रिकेट में तो फ्यूचर है ही नहीं, लड़कियों का क्या होगा, कहां लड़कों के बीच धूप में भाग दौड़ करवा रहे हो, अब इसकी शादी कैसे होगी। डेब्यू पे 114 रन बना के उन्होंने उन सबको ये जवाब दे दिया कि लिमिट बस आपके सोच में होता है, इंसान को खुद नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकता है, तो ये दुनिया कौन होती है उन्हें ये बताने वाली कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। साल 2000 में स्पोर्ट्स कोटा से रेलवेज में उन्हें कलर की नौकरी मिली। उनकी सीनियर टीममेट्स जीएस लक्ष्मी और रजनी वेणुगोपाल से उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वेणुगोपाल और मिथाली के बीच टीम में जगह के लिए हमेशा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता था। उस वक्त वुमेन्स क्रिकेट वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर थी। पैसों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से टीम को टॉप लेवल का ट्रेनिंग नहीं मिल रहा था। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होने के बावजूद उन्हें कंक्रीट और मैटिंग विकेट्स पे प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। टूर से सिर्फ एक वीक पहले 1-2 दिन टर्फ विकेट पे प्रैक्टिस होती थी। अपने कंट्री के लिए वाइट्स में खेलने का सपना हर क्रिकेटर का होता है। ओडीआईज में हर साल इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म करने के बाद साल 2002 में 19 साल की उम्र में टेस्ट टीम में उन्हें शामिल किया गया। 14 जनवरी 2002 को इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। इंडिया के लिए टेस्ट खेलना ये एक बड़ा मौका था और अच्छे अच्छे दिग्गज खिलाड़ी पे इस डेब्यू का प्रेशर रहता है। लखनऊ में हुए उस मैच में वो 0 पे आउट हो गई, लेकिन असली दिग्गज खिलाड़ी वही होते हैं जो फेलियर्स के बाद बाउंस बैक करते हैं। 17 अगस्त 2002 को अपने तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं के होम कंडीशन में 214 रन बनाए। ये वो वक्त था जब मेंस इंडियन टीम इंग्लैंड में स्कोर नहीं कर पा रहे थे। मिथाली के इस इनिंग्स ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया
कि हर इंडिविजुअल को सपने देखने का और उस सपने को अचीव करने का पूरा हक है। साल 2003 में उन्हें अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। इंटरनेशनल करियर के सिर्फ 4 साल में ही मिथाली राज और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का नाम साथ में लिया जाने लगा। साल 2005 में उन्हें इंडियन टीम का कैप्टन बना दिया गया। 2005 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 9.91 रन बना के इंडियन टीम को पहला वर्ल्ड कप फाइनल्स तक पहुंचाया। उस पूरे टूर्नामेंट में मिथाली ने टॉर्न लिगामेंट के साथ खेला। फाइनल्स तो इंडिया हार गई, लेकिन पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। नतीजा बीसीसीआई और वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन मर्ज हो गई। ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। अब वुमेन्स क्रिकेट टीम को भी इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनिंग फैसिलिटी मिलेगा, उनके भी ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव मैचेस होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीज में जीत के बाद 12 साल की वेदा कृष्णमूर्ति अपने आइडल मिथाली राज की तरह एक क्रिकेटर बनने का सपना देखने लगी। सांगली के क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करते करते 9 साल की स्मृति मंदाना का महाराष्ट्र अंडर 15 टीम में सेलेक्शन हुआ। 5 जून 2006 को इंग्लैंड के खिलाफ अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। मिथाली के कप्तानी में इंडियन टीम ने 4 एशिया कप टाइटल्स जीता। साल 2007 में एक ऐसा दौर आया जब मिथाली को लगा अब उन्हें क्रिकेट को छोड़ देना चाहिए। 7 इनिंग्स में उनका टोटल स्कोर 30 रन भी नहीं था। जब उन्होंने अपनी माँ से ये बात कही तो माँ ने कहा, अगर ये वजह है तो गेम को मत छोड़, खेल में उतार चढ़ाव तो होता रहता है। 2009 वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम का शानदार प्रदर्शन था। अब लोग वुमेन्स क्रिकेट को भी फॉलो करने लगे। 2013 वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया। इंडियन टीम को होम कंडीशन का एडवांटेज था, सभी को टीम से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इंडियन टीम प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। सभी कहने लगे इंडियन टीम को नए कप्तान की जरूरत है, लेकिन सवाल था कि मिथाली नहीं तो कौन। और मिथाली भी इस हाल में इंडियन टीम को नहीं छोड़ना चाहती थी, उन्होंने फिर से टीम को बिल्ड किया। 2017 वर्ल्ड कप में एक बार फिर फेलियर। इंडियन टीम फाइनल्स में इंग्लैंड से हार गई, लेकिन इंडियन टीम को नए और रिलायबल प्लेयर्स मिल चुके थे, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, पूनम रावत। इस टूर्नामेंट में मिथाली सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर थी। 9 मैच में उन्होंने 409 रन बनाए विथ एन एवरेज ऑफ 45.44, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे। 2022 वर्ल्ड कप में भी उन्हें और इंडियन टीम को हार का सामना करना पड़ा। 8 जून 2022 को इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। 200 से ज्यादा ODI मैचेस, 10,000 से ज्यादा रन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, 23 साल के क्रिकेटिंग करियर में 6 वर्ल्ड कप्स, एक बार भी इंडियन टीम टाइटल नहीं जीत सकी। वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेगेसी, आप क्या छोड़ के जा रहे हो। जब मिथाली ने इंडियन क्रिकेट टीम में कदम रखा और जब इस टीम को एज ए प्लेयर छोड़ा, तो उन्होंने इस टीम को क्या दिया, ये इम्पोर्टेंट है। देश और दुनिया के सभी लड़कियों के लिए वो एक इंस्पिरेशन है कि ये दुनिया कोई नहीं होती है आपको ये बताने वाली कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। हम सब जो सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। हमें अपने लिमिट्स को हमेशा पुश करते रहना चाहिए। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे अगर कहा जाए कि वो इंडियन क्रिकेट टीम की कोर है तो गलत नहीं होगा। छोटे छोटे सपने और अपने मेहनत से सिर्फ इंडियन वुमेन क्रिकेट ही नहीं, पूरे वुमेन्स क्रिकेट टीम का ओहदा बढ़ाया, आज और आने वाली जनरेशन के लिए एक ट्रू इंस्पिरेशन बनी। तो हम लोग प्रे करते हैं मिथाली आगे जो भी करें उसमें उन्हें सफलता मिले। उनकी बायोपिक शाबाश मिट्ठू 15 जुलाई 2022 को रिलीज होने जा रही है। नीचे कमेंट में बताएं कि अगली स्टोरी आप किनकी देखना चाहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।